रांची के स्वर्ण रेखा और हरमो नदी के संगम पर स्थित प्राचीन 2100 महादेव आज शहरवासियों के मॉडर्न होने की अंधी दौड़ की भेंट चढ़ने की कगार पर है। नदियों में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के और सरकारी उदासीनता के कारण आज एक प्राचीन धरोहर अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। चट्टानों में अलग अलग आकार के शिवलिंग की आकृति नदी के प्रभाव से मिटती जा रही है। बुजुर्ग और स्थानीय लोग बताते हैं कि करीब 1930 के दशक में आए भीषण बाढ़ ने 2100 महादेव को काफी नुकसान पहुंचाया। आज कई चट्टान अपने जगह से खिसक कर दूर होते चले गए। कई शिवलिंग दोनों नदियों को बांटने वाले एक बांध की दीवार में गायब हो गए। आज मुश्किल से 10 से 12 शिवलिंग ही दिखाई देते हैं। सभी शिवलिंगों को खोजने और इस धरोहर को बचाने की इच्छा किसी सरकार या संगठन में हुई ही नहीं। सोना उगलने वाली स्वर्ण रेखा के तट पर जाने के लिए भी भक्तजन सोचने लगते हैं, क्योंकि गंदगी इतनी है कि पूजा तो दूर, वहाँ पैर रखने के लिए भी साफ जगह खोज पाना मुश्किल है। ऐसे किंवदंती है कि नागवंशी राजाओं पर जब मुगल शासकों ने आक्रमण किया तो नागवंशी रानी ने अपने स्वर्णाभूषणों को इस नदी में प्रवाहित कर दिया, जिसके तेज धार से आभूषण स्वर्ण कणों में बदल गए और आज भी प्रवाहमान है। आज भी हर कार्तिक पूर्णिमा को संपूर्ण क्षेत्र के स्वर्णकार स्वर्ण रेखा में डुबकी लगाते हैं और 21 शिवलिंगों का जलाभिषेक करते हैं। कहा जाता है 16वीं शताब्दी में तत्कालीन नागवंशी राजा लाल प्रताप राय के द्वारा संगम के चट्टानों में बनाए गए 21 शिवलिंगों के अवशेष एक सांस्कृतिक उन्नत समाज को दर्शाता है, जहाँ की जनजातीय समाज की शिव भक्ति आज भी उनकी परंपराओं में देखने को मिलती है। स्वयं चैतन्य महाप्रभु कई दिनों तक इस क्षेत्र में रहे, जिसके प्रमाण आज भी यहाँ के प्राचीन राम मंदिर में देखने को मिलते हैं। नागवंशी राजाओं ने अपने महल के करीब 21 चट्टानों में शिवलिंग का निर्माण करवाया था। राज परिवार की दिनचर्या इन 21 शिवलिंगों के जलाभिषेक के साथ ही शुरू होती थी। राजा के महल के निकट केवल 2 आदिवासी परिवार हुआ करते थे, इसीलिए इस इलाके को दुघरवा कहा जाता था। राजा के अलावा केवल इन्हीं 2 परिवारों को ही इस इलाके में रहने की अनुमति थी। चट्टानों में स्थित शिवलिंग की महत्ता के संबंध में आज भी किंवदंती प्रचलित है कि 2 चट्टानों के बीच एक संकरा दर्रा था और राजा किसी भी फैसले को इसी कसौटी पर तौलता था। कोई भी चोरी अथवा झूठ बोलने के आरोप में राजा के पास ले जाया जाता था। निर्दोष व्यक्ति कितना भी मोटा हो, वो उस संकरे दर्रे से आसानी से निकल जाता था, लेकिन दोषी कितना भी पतला क्यों न हो, वो उस दर्रे को पार नहीं कर पाता था। जातिवाद और ऊंच नीच की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से राजा ने प्रत्येक कार्तिक पूर्णिमा में 2100 महादेव मठ में स्वर्ण रेखा नदी के तट पर दरिद्र नारायण भोजन कराने की शुरुआत की थी, जो आज भी आयोजित की जाती है। समाज के प्रत्येक घर से एक मुट्ठी चावल लेकर आज भी ये भोज आयोजित होता है, जिसमें सभी वर्ग के लोग सम्मिलित होते हैं। पौराणिक कथाएं ये भी हैं कि पांडवों के अज्ञातवास के क्रम में वे इस क्षेत्र से गुजरे थे और वे नाग राजाओं से मिले थे। नाग राजा उस समय गंधर्वों के आक्रमण से काफी परेशान थे। तब नाग राजाओं ने अर्जुन के समक्ष अपनी प्राण रक्षा की गुहार लगाई थी। अर्जुन ने गंधर्वों को परास्त कर नागवंशियों के साम्राज्य की रक्षा की थी। आज बिहार से अलग होकर झारखंड बनने के बाद ऐसे प्राचीन धरोहरों के प्रति सरकार भी दिलचस्पी नहीं दिखा रही। राज्य निर्माण के इतने वर्षों बाद भी आज तक ऐसे धरोहरों को चिन्हित तक नहीं किया जा सका। अगर सरकार चाहे तो 2100 महादेव जैसे महत्वपूर्ण प्राचीन धरोहर को संरक्षित कर धार्मिक पर्यटन का विकास किया जा सकता है, पर अफसोस ऐसा नहीं है। इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में बताएं और देखते रहें धर्म संवाद। मैं थी तमिश्री, धन्यवाद।